आज 26 नवंबर शनिवार का दिन है। 1949 में 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हो गया था, यानी भारत का कानून बनकर तैयार हो गया था। उसके दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का कानून लागू हो गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान के द्वारा हमारी सुरक्षा की जाती है। यदि हमें कोई मारता है, यदि हम किसी को मारते हैं, तो भारत के संविधान के तहत हमें सजा मिलती है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी गलती करता है या कोई प्राइवेट कर्मचारी गलती करता है, उसे भी संविधान के नियम के अनुसार सजा मिलता है। तो सबको बात समझ में आई? अब हम भारत का संविधान पढ़ेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ेंगे, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, सब बच्चे दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर को समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। सबको बात अच्छी लगी? Yes, और यह बहुत महत्वपूर्ण हमारा संविधान की प्रस्तावना है। तो सब लोग इसके लिए क्या करेंगे? Yes. चलो ठीक है।